हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज हमारे फ्रेम पे एक साथ आप शख्स को देख रहे हो, इनका नाम है संदीप भुल्लर। आप लोगों को मैं थोड़ा सा याद दिला दूं ये कौन है, तो आप लोगों को पता ही होगा एक इंसिडेंट हुआ था थारा भाई जोगिंदर के साथ, जो कि उनका एक सॉन्ग आया था। क्या सॉन्ग का नाम था जी? भूचाल। भूचाल। तो भूचाल सॉन्ग आने के बाद क्या हुआ था कि 10 से 15 मिनट के बाद ही वो सॉन्ग जो है डिलीट हो गया था, और उसमें इनका काफी ज्यादा नाम आ रहा था कि इन्होंने ही स्ट्राइक दिया है, इसी वजह से वो वीडियो उड़ा। उसके बाद फिर पूरा जो है वो सारा इंसिडेंट आप लोगों को पता होगा, बाकी नहीं पता तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना। तो वही संदीप भुल्लर जी हैं आज हमारे साथ। तो हमारा कॉन्टेक्ट उसी टाइम से हुआ था जब थारा भाई जोगिंदर का सॉन्ग उड़ा था, उसी टाइम से हमारा फ्रेंडशिप काफी दिनों से। और आप लोगों को पता होगा मैं अभी पंजाब आया हुआ हूँ, जो मेरे ब्लॉग्स को डेली फॉलो करते हो रेगुलर उन लोगों को पता होगा। तो मैं अभी पंजाब में ही हूँ, ये मेरा होटल रूम है, आप लोग देख रहे हो। तो भुल्लर जी को मैंने बोला था कि मैं तो आ रहा हूँ तो फिर मिलते हैं, क्योंकि ये भी पंजाब से ही बिलोंग करते हैं, वो आप पगड़ी देख के भी समझ सकते हो। तो भुल्लर जी से मिल के तो काफी अच्छा लगा, हम लोगों ने काफी देर तक अभी बातचीत किया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं कि भुल्लर जी क्या काम करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। साथ ही एक अभी सॉन्ग जो ट्रेंड में चल रहा था, सॉन्ग का नाम क्या बोले? हर हर शंभू। आप लोगों को पता होगा अभी सावन का महीना है और वो सॉन्ग काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह में आप लोगों ने सुना ही होगा वो सॉन्ग। तो वो वाला सॉन्ग जो ट्रेंडिंग में है, लेकिन वो सॉन्ग अभी नहीं है ना, जिनके ऑफिशियल चैनल पे था वो नहीं है। फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से वो सॉन्ग अभी नहीं है इस टाइम पे। तो उसके बारे में संदीप जी बताएंगे कि कैसे वो सॉन्ग उड़ा, क्यों उड़ा और अब रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। उससे पहले मैं बताऊं थोड़ा सा अभी भुल्लर जी के बारे में कि ये काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। जैसे इनका तो एक यूट्यूब चैनल खुद का है ही संदीप भुल्लर के नाम से, जिसमें यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, बट इसको छोड़ के भी भुल्लर जी काफ़ी सारा काम करते हैं जो कि काफ़ी फायदेमंद होता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, यहाँ तक कि मेरे लिए भी। जैसे इनका खुद का तो एक CMS कंपनी भी है, जिसमें ये 200-250 चैनल इनके अंडर में है, जिनको ये खुद मैनेज करते हैं। टीम भी है या फिर खुद ही आपका? पूरी टीम है सर, पूरी टीम है ना, स्टूडियो है, सेटअप है, मतलब ऑफिस बना हुआ है, हर एक टीम है मेरी, हर एक टीम से रिलेटेड। तो वो मैनेज भी करते हैं, साथ ही साथ किसी को अगर फेक स्ट्राइक वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि इनका पहुंच बहुत दूर तक है। वो अभी वो आप लोगों को क्लियर में नहीं बताऊंगा, बट हाँ इनको काफ़ी सारे लोग जानते हैं जो फेक स्ट्राइक वगैरह देते हैं, वो भी मेरे चैनल पर अभी काफ़ी सारे ऑडियंस भी है जो मेरे देखते हैं वीडियोज, वो लोग तो इनको काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है ना कभी कभी, मेरे रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस बनते हैं जो कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। जैसे मेरे फैमिली को लेकर के नेगेटिव बोलना, मेरे मम्मी को लेकर, पापा को लेकर, अगर मेरे ऊपर मैं बोलोगे तो चलो वो ठीक है, मैं सुन लूँगा, मैं सोशल मीडिया पर हूँ, बट मेरा फैमिली तो सोशल मीडिया पर नहीं है ना। तो वो सब अगर प्रॉब्लम होता है तो मैं भुल्लर जी को ही बोलता हूँ कि थोड़ा देख लीजिएगा, फिर ये अपना सारा कांड कर देते हैं। ठीक है, वीडियो हटाना हो या फिर उनको समझाना हो, ठीक है कि वीडियो हटा दो या तो थंबनेल चेंज कर दो, तो वो सब में काफ़ी हेल्प करते हैं। आप थोड़ा सा आप संदीप जी बताइए कि वो गाना क्यों उड़ा, ये बताइए पहले। सबसे पहले यार आपको बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, आपने मेरे को अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव यार यहाँ पे आके आपने मेरे को बताया, और मैं एक बार और साथ ही और आप आ चुके हैं मेरे चैनल जी, मैं आपके चैनल लेकिन पे उससे साथ, साथ में नहीं था, लेकिन साथ में बनाने का अलग मजा है, अलग ही मजा है, क्योंकि आधा घंटा मैंने आपसे बात की और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो हर हर शंभू भजन आपने सुना होगा, वो डिलीट होने का मेन रीज़न क्या है, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कवर वीडियोस बनाते हैं और उनके चैनल पे ये खतरा मंडरा रहा है, और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बात आगे करना चाहता था, क्योंकि आपकी रीच अच्छी है तो लोगों तक ये बात पहुँचेगी और उन्हें जानने का ये पूरा हक है कि भाई हमारा कॉपीराइट गाना उड़ जाता है। आपने देखा होगा कि ओरिजिनल जो सॉन्ग करता है पर्सन, वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता, कोई और कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है, जिसे हम फेक कॉपीराइट स्ट्राइक कहते हैं। यही हर हर शंभू जो भजन है उनके साथ हुआ है। आपने देखा होगा राधे राधे भजन आया था एक अच्युत गोपी जी का था, मैं फोटो दिखा दूंगा, नाम नहीं बोलना आ रहा उनका मेरे को, फोटो आपको नजर आ जाएगी। तो भाई उन्होंने एक किया था राधे राधे भजन, वो सेम कॉम्पोजिशन उठा के उन्होंने हर हर शंभू कॉम्पोजिशन तैयार की थी, लेकिन जो राधे राधे भजन था ना, वो बहुत पहले ही अपलोड हो चुका था और उसकी कॉपीज बहुत लोगों ने अपलोड कर रखी थी, जैसे कि मैं, मेरा ओरिजिनल सॉन्ग है, भाई ने भी कॉपी कर लिया, और जब उसकी कॉम्पोजिशन से एक और भजन तैयार होता है वो ट्रेंडिंग में चला जाता है, तो भाई भी आपको स्ट्राइक देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ओनर ये भी हैं, यूट्यूब से पहले इन्होंने आपसे पहले यूट्यूब के चैनल डालने से पहले कॉम्पोजिशन कर लिया है कि यूट्यूब को, मतलब यूट्यूब पर होता यह है कि अगर आपसे पहले किसी ने डाल दिया तो वो ऑनर हो गया, यूट्यूब को नजर में वो ऑनर हो गया, क्योंकि यूट्यूब को तो नहीं पता, सिर्फ एक कॉम्पोजिशन ही अगर कॉपी करते हैं तो आप भी स्ट्राइक देख सकते हो, दे सकते। तो यही दिक्कत होती है कि भाई आप इस अगर किसी से भी कॉम्पोजिशन पहले देखते हो, कोई भी गाना कवर करते हो, तो पहले आप उसे देखिए कि कितने लोगों ने उसे रीयूज किया हुआ है,
अगर काफ़ी लोगों में से कोई ऐसा लोग ऐसा भी पर्सन आपको मिल गया कि ये स्ट्राइक दे देगा तो आपका चैनल टर्मिनेट भी करवा सकता है वो। तो इसी वजह से अभी वो सॉन्ग है नहीं यूट्यूब पे जी, और बहुत जल्दी आ जाएगा, मेरे साथ कॉन्टैक्ट हो चुका है, बट संदीप जी के साथ उनका कॉन्टैक्ट हुआ है और वो सॉन्ग जल्द आप लोगों को यूट्यूब पे फिर से आ जाएगा क्योंकि ये अभी वहीं काम कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा बात करते हैं संदीप जी, थोड़ा ये बताइए कि आपने जैसे ये सारा नॉलेज कैसे मतलब हुआ, थोड़ा स्ट्रगल लाइफ के बारे में अपना बताइए। स्ट्रगल लाइफ मेरी, लोग मोटिवेट हो जिससे। बिल्कुल, मैं भाई को जब भाई की एक पहली वीडियो वायरल हुई थी, भाई आप अपना स्क्रीनशॉट लगा देना जो वीडियो आपने देखा हो, सीढ़ियों पे बैठ के बनाते थे, तो उसी टाइम मेरी स्टार्टिंग थी यूट्यूब पे। अच्छा, तो उससे पहले मैं ऐप से रिलेटेड वीडियोस बनाता था और उस टाइम पे मेरे माइंड में ये था कि भाई मैं एक वीडियो मैं भी वीडियो स्टार्ट करूँ। तो मैंने जब स्टार्ट करना चाहा, फेस कैम बनाना चाहा, तो मेरे को एक लिंक आता है स्पॉन्सरशिप के लिए। अच्छा, तो मैं उस लिंक पे क्लिक किया और वो चैनल चला गया। उस टाइम पे मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, फिर मेरे को लगा कि यार यूट्यूब पे, क्योंकि मेरा सारा कुछ वहीं से चलता था, अच्छा खासी रोजी रोटी चलती थी क्योंकि मेरे फादर साहब को पैरालाइज हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई मैंने डिजिटल कोर्स किया मार्केटिंग का, पूरी नॉलेज ली। उसी बीच में मेरी दोस्ती हुई थी क्रेजी बंदे से, जो अभी कैमरे के बिहाइंड में है, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे को चैनल वापस दिलाया और वहीं पे मेरे को पता लगा कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा स्कोप है। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के साथ ईमेल मार्केटिंग्स और सीएमएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी ज़रूरी समझी थी उस टाइम पे, और वो मेरे काम भी आई और इससे मेरी आगे पहचान बनती गई। बड़े बड़े सिंगरों के साथ मेरी होती रही और उनके चैनल्स मैनेज करता रहा। फिर मैंने पार्टनरशिप पे अपना खुद का सीएमएस ले लिया। अब मैं 250 से प्लस चैनल मैनेज करता हूँ और जो फेक कॉर्पोरेट स्ट्राइक्स मतलब आती हैं, वैसे मैं फेक कॉर्पोरेट स्ट्राइक देता नहीं हूँ, कंपनी के कहने पे मैं स्ट्राइक्स देता हूँ, फेक कॉर्पोरेट स्ट्राइक नहीं देता। जैसे मनोज भाई पे कोई नेगेटिव वीडियो बनाएगा, मनोज भाई को मैनेज मैं ही कर रहा हूँ, इनका सॉन्ग भी मैंने ही डिस्ट्रीब्यूट किया था। जो मेरा सॉन्ग आया था गाइस, आप लोगों को पता होगा क्या नाम था गाना का, सॉन्ग का नाम फरियाद, अरे भाई नाम भूल जा रहा हूँ मैं खुद। तो वही अगर कोई कॉपी करेगा तो अगर भाई कहेंगे कि हाँ भाई इसको उड़ाना है तो भाई उड़ जाएगा, मेरी तो जॉब है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, बहुत किसी ने उसमें कवर किया होगा, वो गाना किया हुआ है, बहुत लोगों ने अपलोड कर रखा है, बट हम लोग ऐसा करते नहीं है। और वो वाले सॉन्ग का जो डिस्ट्रीब्यूशन का सारा काम वगैरह था, कंटेंट आईडी लेना, सारा कुछ संदीप बुलर जी ही किए थे। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी उस गाने का क्रेडिट में आप लोग को दिख जाएगा जी, बिल्कुल। तो ये सारा चीज जो है बुलर जी, आप समझ सकते हो, सारा ऑनलाइन ही सीखे हैं, ठीक है, बिल्कुल, कहीं पे तो कोर्स वगैरह ऐसे नहीं, मतलब जो भी किए ऑनलाइन ही। देखिए सीखना होना तो ऑनलाइन ही सीखा जा सकता है अगर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। एक बात हाँ ये है ना कि एक्सपीरियंस से लोग सीखते हैं, बिल्कुल, आप जिस फील्ड में काम करोगे आप उस चीज का नॉलेज अपने आप आपको आने लगेगा। आप सभी की ऑडियंस को और मोटिवेट करने के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने एक फार्म हाउस परचेज किया है जिसकी कॉस्ट 1 करोड़ है, लेकिन मेरे को 60 लाख में मिला है वो, तो सारा यूट्यूब की कमाई से। 1 करोड़ का फार्म हाउस बुलर जी लेके रखे हैं, फोटो दे देना, मैं यहाँ पर लगा दूंगा ताकि लोग भी देख के मोटिवेट हो। मैंने स्टूडियो सेटअप का इंट्रो डाला हुआ है, वैसे मैं आपको फिर भी फोटो दे दूंगा। तो वो सारा अर्निंग सोर्स आपने जो मैनेज वगैरह करते हो, सीएमएस ये सबसे ये अर्निंग आता है, तो देख सकते हो सारा ऑनलाइन ही अर्निंग है, ठीक है। और ये वीडियो ऐसा बन रहा है जैसे कोई पॉडकास्ट ही बन रहा है, बट अभी तक मेरा वो पॉडकास्ट चैनल ओपन हुआ नहीं है, अदरवाइज ये वीडियो शायद उसी चैनल पर आता। और भुल्लर जी मेरे घर आने वाले थे खुद, धन्यवाद, बट कोई नहीं, अभी हम लोग यहाँ हम खुद आ गए हैं, इनसे ऐसा हो ही गया तो मिल लिए, बट कोई नहीं, भुल्लर जी कभी ना कभी तो जरूर आएंगे मेरे से मिलने। बिल्कुल जरूर, जब आओगे तब फिर एक पॉडकास्ट चैनल पे भी हम लोग इंटरव्यू करेंगे, एक अच्छा सा डिटेल में स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो ज़्यादा मजा आएगा। बाकी इतना तो नॉलेज लोगों को मिल गया कि कोई भी सॉन्ग वगैरह अगर खास करके म्यूजिक कैटेगरी का अगर आप कंटेंट बनाते हो तो देखना, ठीक है, अगर कवर कर रहे हो किसी सॉन्ग को तो कितने लोगों ने कर रखा है पहले, तो फिर वो भी आपको स्ट्राइक वगैरह दे सकता है। बिल्कुल। और हाँ, अगर स्ट्राइक वगैरह आपको मिल जाता है, अगर आपका बड़ा चैनल है, आपका रोजी रोटी उसी चैनल से चलता है, तो फिर आप भुल्लर जी से कॉन्टैक्ट करना, फिर ये हेल्प कर देंगे आपको, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, संदीप जी के भी चैनल को चेकआउट कर लेना, मैंने मेंशन कर दिया टाइटल पे। एंड चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।